दिवाली पर सबके घर से तोहफे आए, तेजस्वी को तोहफा नहीं मिला जबकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी। जय, प्रतीक, सिम्बा और राजीव जो है तोहफे ले गए। क्या मायशा और उमर ने सही किया? क्यों तेजस्वी को लेकर घर में लोग इतना नेगेटिव सोचने लग गए हैं? अचानक तेजस्वी से ऐसी क्या गलती हो गई है कि घर के जो उनके बाकी कंटेस्टेंट हैं वो उनके लिए उतना अच्छा नहीं सोचते जितना पहले सोचते थे? क्यों तेजस्वी जो है, क्या आपको लगता है कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है? कहाँ तेजस्वी गलत जा रही है? और आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो करण कुंद्रा ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए गेम से ऊपर कुछ भी नहीं है। और इतना ही नहीं, आज मुझे निशान का गेम, स्ट्रैटेजीज, उनकी हर बात जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बहुत सॉरी, टू द पॉइंट सोचते हुए बात करते हुए नजर आए। यहाँ पर आज मुझे जो है एक बात लगी कि मायशा वाकई में जो है गेम के बारे में सोच सकती है, लेकिन उन्होंने घर के अंदर आकर जो सिर्फ अपना पूरा दिमाग अपने और निशान के रिलेशनशिप में लगाया, उससे अगर आगे बढ़कर सोचती तो वो बहुत आगे जा सकती थी, लेकिन अब जो है बहुत देर हो चुकी है। तो आज शुरुआत करेंगे। मायशा भी ये सोचती है, आप सोचिए कि अगर आप मेरे साथ कल रिव्यू के लिए जुड़े होंगे तो मैंने कल एक बात बोली थी और यही बात आज मायशा बोलती हुई नजर आई कि आपने, शमिता ने आपका नाम लिया था और आप नहीं चाहती थी शमिता बने, इसलिए आपने मुझे जो है कैप्टन बनाया है। और यही बात थी, तेजस्वी जो है नहीं चाहती थी कि शमिता, वो चाहती थी कि अब उनकी टीम का कोई कैप्टन बने। उन्होंने अपने वो ईगो पर ले लिया था और इसीलिए जो है वो बनाना चाहती थी मायशा को कैप्टन। और ये बात मायशा ने बोली भी कि आप जो है ये नहीं चाहती थी, आपने मेरे लिए मुझे कैप्टन नहीं बनाया है, शमिता ने आपका सबसे पहले डाल दिया था इसलिए कैप्टन बनाया है। जय ये बात करते हुए नजर आए। विशाल ने वहां पर जो है मायशा का साथ दिया। और इसके अलावा अगर मैं शुरुआत में बात करूं जहां से एपिसोड शुरू हुआ, तो विशाल निशान ये बात करते हुए बहुत क्लियर कॉन्वर्सेशन करते हुए नजर आए कि कल पहली बार तेजस्वी जो है वो स्टूपिड लगी। वाकई में कल पहली बार मुझे तेजस्वी का गेम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं लगा उनके कंपैरिजन में। करण कुंद्रा ने जो पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो पूरा मास्टर प्लान बनाया था, वो बहुत कारगर साबित हुआ, लेकिन तेजस्वी कल पूरे गेम के दौरान जो है बदले की भावना से खेल रही थी। और शमिता ने जिस तरीके से तेजस्वी को जवाब दिए थे, उन्होंने तेजस्वी को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था और बिल्कुल शमिता ने बता दिया था कि वो इस गेम में बहुत स्ट्रांग है और तेजस्वी उनके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती। आज तेजस्वी ने एक बात बोली कि इन लोगों को हम तक पहुंचने के लिए बहुत हार्ड ट्राई करना होगा, तू और मैं एक तरफ, पूरा घर एक तरफ, तू नहीं भी हुआ तो भी मैं एकदम स्ट्रांग हूँ, ये लोग मुझे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। करण ने बोला तू नहीं हुई तो मेरे लिए गेम मुश्किल हो जाएगा। लेकिन करण ने आज एक और बहुत अच्छी बात बोली, जब तेजस्वी इस बारे में अपना दिमाग लगा रही थी कि उन लोगों को कैसे तोड़ सकते हैं, करण ने कहा कि जब ये लोग गुस्से में होते हैं ना, आपस में एक दूसरे पर जब फूटते हैं और उस समय गुस्से में जो बात बोलते हैं, उन चीज़ों पर आप लोग गौर नहीं देते। तेजस्वी आज मायशा से जो गिफ्ट मांगने गई थी, उसके जितने भी लॉजिक थे, तर्क थे, वो उसको और कमतर दिखा रहे थे, अच्छा नहीं दिखा रहे थे। करण ने गिफ्ट नहीं लिया, उसको उमर देना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद करण इधर दिखे हैं, ऊपर दिखे हैं। मैं मानती हूँ कि तेजस्वी करण के लिए बार्टर कर रही थी, उसके लिए बैट कर रही थी, लेकिन उनका ये बार बार दावा करना कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो बोल रही हैं, उनके एक्शन में वो नज़र नहीं आ रहा था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तेजस्वी भी करण के साथ, यानी कि करण और तेजस्वी जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो तेजरन बना है, जो उनका आपस में बना है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर तेजस्वी वाकई में जो है अपने गेम का ट्रैक लूज करती हुई नज़र आ रही है। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे तेजस्वी के फ़ैन होंगे और वो आप लोगों को हो सकता है कि ये बात जो है अच्छी ना लगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि तेजस्वी जो है उनको वो वाली तेजस्वी नहीं रही। पता नहीं क्यों मुझे तेजस्वी को देख के जैस्मिन की क्यों याद आई, कि जैस्मिन बाद में आकर जो है क्यों नेगेटिव देखने लग गई थी और शुरू में बहुत अच्छी जा रही थी। मुझे तेजस्वी कल जिस तरीके से उन्होंने बात की, आज जो किया, मुझे लग रहा है कि तेजस्वी को वापस अपने गेम में आना पड़ेगा, वरना यहाँ पर जो है घर वाले, देखिए स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट के अगेंस्ट भी पूरा घर होता है, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी जो ये क्लेम कर रही थी ना कि उसने मायशा को फेवर, मायशा उसकी वजह से है, वो बिल्कुल भी नहीं था। ये आपको, हमको, सबको दिख रहा था कि मायशा को वो सिर्फ इसलिए लाना चाहती थी क्योंकि उसके हाथ में मायशा का नाम था
और शमिता से वो जो है बदला लेना चाह रही थी। अगर तेजस्वी के हाथ में उमर का नाम होता तो वो उमर को कैप्टन बनाना चाहती। यहाँ मैं आपको लिख कर देती हूँ कि मायशा के लिए उसने पे बैक करने के लिए नहीं किया, और अगर आज वो मांग रही थी कि मैंने तू मेरी वजह से यहाँ पर है तो फिर उसको ये भी मानना होगा कि उसी की वजह से वो नॉमिनेट भी हुई है। तो यहाँ पर बट जो डील है, वो जो डील करने गई थी वही डील तेजस्वी ने शुरुआत की, मायशा ने उसको खत्म किया है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। तो करण तो मास्टरमाइंड है, ये मुझे समझ में आ गया। करण को ये मालूम था कि मुझे इस समय उमर को ही कैप्टन बनाना है, और उसने अपने गिफ्ट को भी सेक्रीफाइस किया। उसने साफ साफ बोला कि बाहर मेरी मम्मी भी होंगी, जो भी है वो जो है तुझे कैप्टन बनते देखेंगी तो ज़्यादा खुश होगी। अजीज़ा लिख रही है जो भी हो तेजू की बेजासाई मायशा है वजह से ही मायशा है कैप्टन में। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आप ये बात देखिए, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई अजीज़ा, अगर तेजस्वी के पास मायशा नहीं उमर का नाम होता तो उस समय उमर को कैप्टन बनाने के लिए अड़ जाती। यहाँ पर उसके हाथ में जिसका नाम होता वो उसको कैप्टन बनाने के लिए अड़ती, वो मायशा के लिए नहीं खड़ी हुई थी। वो वहाँ पर शमिता ने उसका नाम दे दिया था, उसके बाद वो अपनी ही टीम में से किसी को बनाना चाहती थी, तो उसके हाथ में अपनी टीम के किसी भी सदस्य का नाम होता वो उसके लिए खड़ी होती थी। तो ये बात जो है आज घर के अंदर ये लोग भी मानते हुए नजर आए। ईशान मायशा जो है बात करते हुए नजर आए, आगे बढ़ाना है। करण निशांत जो है बात साफ बात कर रहे थे कि जंगलवासी तेरी प्रियोरिटी है, तो उसे बोला ऐसा नहीं है, आई लिटरली डोंट लाइक तेजू। तेजू में शर्मा जी लिख रहे हैं अकड़ बहुत आ गई है, वो बोलती है नंबर वन नंबर टू है, हम सब पर भारी, उसको दिखा के भर उसका, इसलिए तेजू नॉट डिजर्व, क्योंकि इंसान वही है जो किंग बल्कि ज़मीन से जुड़ा हो। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, थैंक यू लीना। यस शर्मा जी, मैं भी वही कह रही हूँ कि जो उसके एटीट्यूड है ना, जो वो बात कर रही थी, जिस तरीके से उसने शमिता को कल बोलने की कोशिश की इनसिक्योर, ये सब वो सब वो दिख रही थी। तो मुझे, मैं तेजू को यार गेम पसंद करती हूँ, मैं उसको टॉप थ्री में भी देख रही हूँ, लेकिन दो दिन के गेम से हम ये नहीं कह सकते कि तेजू में पोटेंशियल नहीं है। तेजस्वी में पोटेंशियल है, लेकिन वो गलत ट्रैक पर जा रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या, मतलब कौन सी उसकी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बहुत अच्छा सोच रही हो और हुई हो। कल की बात में मैं मानती हूँ कि तेजस्वी की वजह से ही राजीव अंदर गया, करण का मास्टर प्लान था लेकिन उसको एग्जीक्यूट तेजस्वी ने दिया किया है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। वीकेंड का वार तो अभी शूट ही नहीं हुआ दानिश, कल होने वाला है। सिम्बा क्या आउट होगा? नहीं, ईशान होगा आउट। चलिए, हैप्पीनेस स्टेशन टास्क आया जिसमें विशाल ने अपना गिफ्ट लेने से मना कर दिया। विशाल ने गिफ्ट लेने से मना किया, उन्होंने बोला कि मेरे घर से क्या आया होगा, पिताजी ने तोड़ मरोड़ कर क्या ही भेजा होगा, मैं हर साल उन्हें गिफ्ट देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैसेज कन्वे हुआ वो एक बार फिर से वही हुआ कि विशाल जो है तंगहाली में जी रहे हैं और उनको बहुत ज़रूरत है। मुझे ये नहीं पता कि उनका सिंपथी कार्ड है या क्या है, लेकिन ये बात ज़रूर है, ये बात उमर भी बोलते हुए नज़र आए कि यार उसने घर बुक कराया है, ये ऐसा क्यों करता है, ये अच्छा नहीं लगता। और बाकी में ऑडियंस जो है सिंपथी बार बार नहीं दे सकती, सिंपथी एक या दो बार सही लगती है, लेकिन आप पूरे सीजन में सिंपथी कार्ड खेलो वो अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है ये उनकी अपनी ट्रू फीलिंग हो, लेकिन जिस तरीके से वो कन्वे कर रहे हैं वो लोगों तक सही तरीके से नहीं जा रही हैं। नयाना लिख रही है हाँ तेजस्वी तब गलत थी, उन्हें शमिता को गलत समझा, पर तेजस्वी ने जिस तरीके से राजीव को एंड वक्त पे समझाया वो सही था। यस, मैं वही कह रही हूँ, कल मास्टर प्लान करण ने बनाया, उसको एग्जीक्यूट अगर हम कहें तो तेजस्वी की स्ट्रैटेजी ने किया, नो डाउट। लेकिन वो ये जो मायशा पे जता रही थी कि उसकी वजह से वो पहुंची है, वैसा नहीं था। निशांत जय और ये सब भी बात करते हुए नजर आए, निशांत और विशाल की कल पहली बार तेजस्वी स्टूपिड लग रही थी। वही जब मायशा के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ तब भी यही जो है कन्वे हुआ कि वो गुस्से में कुछ भी बोलती है। इस बात पे जय, विशाल और निशांत ये तीनों एग्री हो रहे थे। मैं मानती हूँ ये उसके कॉम्पिटिटर हैं और उसको पसंद नहीं करते, इसलिए जो है वो ये बात बोलेंगे, लेकिन बतौर ऑडियंस भी मुझे ये लग रहा था कि उसकी बातों में कोई लॉजिक नहीं था। आज वो इमोशंस में बह रही थी, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी। तेजू बची है, उसे गेम समझ नहीं आ रहा है, ईशांत आउट हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ है मानसी, मुझे लग रहा है कि वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, विशाल के बाद बारी आई जय की। जय ने बहुत स्मार्ट गेम खेला आज के एपिसोड में। अफसाना सह गई, पपीता किसने खाया
अभी उसकी भी बात पे मैं आऊंगी. सिर्फ उमर ने अफसाना का स्टैंड लिया है. वो बोल रहा था कि जब निशांत और तेजस्वी पपीता पपीता गाते हुए आए तब किसी को नहीं दिखा. आप सिर्फ अफसाना को टारगेट कर रहे हैं. पपीता किसने खाया ये बात उठाई. और जब ब्राउनी के लिए, चॉकलेट ब्राउनी के लिए शमिता रात को हंगामा करती है तब तो कोई नहीं बोलता है. तो वहां पे भी उमर एकदम सही था, वो अफसाना का साथ दे रहा था. लेकिन यहाँ पर क्या, जब दो लोग रो रहे थे तो लोगों का हंसना सही था गलत था, इस पर भी हम बात करेंगे. पहले मैं बात करूंगी कैप्टेंसी टास्क की, हैप्पीनेस स्टेशन की. तो जय ने बहुत स्मार्ट गेम खेला, उसने मायशा को सोचने का वक्त नहीं दिया. आज लाइव फीड में भी जय बोलते हुए नजर आए कि यार वो 2 मिनट 5 मिनट मांग रही थी, अगर 2 मिनट 5 मिनट भी दे दो ना तो उनका माइंड चेंज हो जाता है. वो ईशान से बात करती, किसी और से बात करती, इसीलिए मैंने उसे टाइम नहीं दिया और उसने तुरंत जो है मुझे गिफ्ट दे दिया. तो जय को गिफ्ट मिला. शमिता की बारी आई. शमिता ने बोला कि मायशा ने अभी भी दिया है, मैं उससे नहीं मांगूंगी. लेकिन हाँ, मैं उमर से, वो उमर के पास गई. हालांकि मैं बहुत ऐसा सोच रही थी कि शमिता उमर के पास नहीं जाएगी. उमर ने साफ साफ बोला कि पर्सनली कुछ नहीं है, लेकिन आपने मेरे लिए ऐसा कुछ किया नहीं है जो मैं आपके लिए अपना गिफ्ट सेक्रीफाइस करूँ. तो उसने गिफ्ट सेक्रीफाइस नहीं किया. निशांत की बारी आई. अब आप सोचिए, यहाँ पर उमर के लिए जितने भी लोग खड़े थे वो खुद इस बात को लेकर दिमाग से बिल्कुल क्लियर थे कि उनको उमर को कैप्टन बनाना है, भले ही उसके लिए उन्हें अपना गिफ्ट सेक्रीफाइस करना पड़े. लेकिन जिन लोगों ने मायशा को फेवर किया था, क्या वो उतना स्ट्रॉन्ग हेडेड थे? नहीं, क्योंकि उन्होंने मायशा को अपने स्वार्थ के लिए कैप्टन बनाया. अगर जय ने, जय को अपना गिफ्ट चाहिए था, मायशा की कैप्टेंसी नहीं चाहिए थी. तेजू को अपना गिफ्ट चाहिए था, मायशा की कैप्टेंसी नहीं चाहिए थी. करण ने अगर उमर को कैप्टन बनाया है तो वो जो है करण उस पर टिका रहा कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उमर का कैप्टन बनना. अगर निशांत ने सेक्रीफाइस किया तो निशांत ने ये बोला कि नहीं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उमर का कैप्टन बनना. तो उमर के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि उमर के फेवर में भी थे वो लोग जिन्होंने उसको कैप्टन बनाया है, उन्होंने अपना गिफ्ट सेक्रीफाइस किया है. ये होता है कि आपने किसी के लिए स्टैंड लिया. ये नहीं होता कि तू मेरी वजह, अरे आपने ही तो उसको कैप्टन बनाने के लिए इतना किया, तो आप ही उसको अब कैप्टन नहीं बनवाएंगे? मतलब आप उससे बोलेंगे कि अपने फ्यूल बार तुम सेक्रीफाइस करो और मुझे कैप्टन बनने दो, मतलब मुझे घर से गिफ्ट देने दो, सॉरी. तो ये जो है बात बिल्कुल गलत ही लग रही थी. वो शुरू से ही मायशा का मुझे लग रहा था कि उस बेचारी को ये लोग इमोशनली करेंगे, क्योंकि कोई उसके पास जो है इस अपने स्वार्थ के लिए ही जा रहा था. एक बात बोलूँ, ये दोनों कैप्टन छोड़ के सबको गिफ्ट दे देते, इससे अलायंस भी बनते और ग्रुप भी सेम आते. नहीं शर्मा जी, कौन किसको गिफ्ट देता सोचिए. उमर करण को देने को तैयार था, ठीक है. उमर ने राजीव को भी बोला कि उसके फ्यूल बार कम हो चुके हैं, सिम्बा को तो वो नहीं देता. तेजस्वी को जो है वो मायशा से ही मांगने गई थी, उमर से तो मांगना ही नहीं था ना उसे, तो वो मायशा से ही मांगने गई. शमिता को तो उमर देता ही नहीं ना. आप देखिए कि एक ही तो कॉन्टेस्टेंट है शुरू से जो उमर के इतने खिलाफ है. तो बस उसको जिसको देने थे उन लोगों ने, विशाल को देता वो. विशाल को तो देता ही नहीं, वहां पे देने के लिए मायशा थी ना. और अगर देना भी पड़ता, मैं तो ये कह रही हूँ कि विशाल ने खुद गिफ्ट नहीं लिया. निशान के लिए अगर लाइबिलिटी थी उसकी तो निशान को भी नहीं चाहिए था, उसे बोला ये लोग अपना जो कॉल ले. करण ने मना कर दिया, खत्म बात. क्योंकि उन लोगों के लिए उमर की कैप्टेंसी ज्यादा बड़ी थी. मायशा कैप्टन बनने के लायक ही नहीं थे, वो कुछ कर ही नहीं सकती. यहाँ पर अभी उसको इसलिए कैप्टन के लिए रखा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो इसलिए रखा क्योंकि तेजस्वी के पास उसका कार्ड था. यहाँ पर मायशा को कैप्टन बनाने के लिए कैप्टन नहीं बनाया है. ये बात जो है सबको, ऑडियंस को भी समझ में आ रही है. और ये बात मायशा ने भी बोली कि आपने मेरे लिए तो किया ही नहीं है, आपने शमिता और अपनी टीम में से कोई बने इसके लिए किया, इसलिए ये बात मुझ पे, मेरे मुंह पे मत बोलो. और जहां तक बात है इमोशंस, साफ बोला आप इमोशन की बात मत करो, आप तो हंस रही थी. अब हम उस मुद्दे पर आते हैं कि हंसना सही था या गलत था. लेकिन निशान उसके बाद अफसाना को गिफ्ट दे दिया. उमर ने ईशान को देना चाह रही थी, वो उसे उसका बार वापस रख दिया, तो उसको गिफ्ट नहीं मिला, ठीक है ना. तो यहाँ पर इसके बाद गिफ्ट आया तेजस्वी का. तेजस्वी का आर्ग्यूमेंट मुझे बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगा. उसका आर्ग्यूमेंट ही बार्टर सिस्टम पे था. मैंने किया अब तू कर, इस आर्ग्यूमेंट से आप कभी नहीं जीत पाओगे. मैंने किया है इसलिए तू कर, ये आर्ग्यूमेंट ही पहली लाइन ही आपकी हराने वाली है. आप कभी भी किसी के पास ये बोल के जाओगे कि मैंने किया था इसलिए अब तेरी बारी है, तो आप नहीं जीत सकते हैं. यहाँ पर करण जो है उसके पास गया और बोला कि तुझे जो सही लगे करना. और उसके बाद हैप्पी दिवाली आदित्य. उसके बाद जो है जब करण की बारी आई, उमर ने बोला कि भाड़ में जाए कैप्टेंसी, मैं तेरे को देना चाहता हूँ. करण ने बोला नहीं चाहिए मुझे. वहां पर लड़ाई हो रही थी कि तुझे दूं मैं,
और वो कह रहा था कि नहीं चाहिए, लोग हर बात के मुद्दे को प्रतीक क्यों आते हैं, राकेश जल्दी ही निकल जाएगा। आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता है कि राकेश ये वाला गेम जो है खेल पाएगा, खुद शमिता बोलती हुई नजर आई थी। तो उमर ने बोला कि जय रो रहा था, तेजू हंस रही थी। यहाँ पर उसने कनेक्ट ये नहीं किया कि जय के रोने पर वो हंस रही थी, तेजू ने वो क्लियर कराया। अब ठीक है, यहाँ पे पपीता पपीता हो रहा है, ईशान रो रहा है, शमिता को बुरा लगा कि वो रो रही थी, निशांत हंस रहा था। तो निशांत तो अपने लिए भी नहीं रोया, उसको तो अपने गिफ्ट के जाने का भी इमोशनल नहीं हुआ, आंसू नहीं बहाए। और दूसरे कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पे गेम 10 इंडिविजुअल्स का है, तो अगर कोई दूसरे कोने में हंस रहा है, चाहे वो तेजस्वी थी, अगर आप इन लोगों का मजाक उड़ाकर हंस रहे हो, जो ईशान और मायशा का मजाक उड़ाकर निशांत ने बोला कि यहाँ पर जो लव स्टोरी चल रही है मुझे रोना आ गया, जय ने बोला कि मुझे तो मेरा गिफ्ट मिल गया ना छोड़ना, और उसके बाद निशांत और तेजस्वी जो मजाक बनाते हुए नाचते हुए आए, वो बात ऑनेस्टली गलत थी। अगर वो दो लोग रो रहे थे तो उसका मजाक निशांत को नहीं बनाना चाहिए था, भले ही मायशा ईशान ने इस बात को देखा नहीं देखा, लेकिन इमोशंस का मजाक नहीं बनना चाहिए था। शमिता पर निशांत नहीं हंसा है, वो हम लोगों को नहीं दिखाया है, लेकिन शमिता को लगा कि वो उस पर भी हंसा। मायशा को कुछ भी नहीं करते हैं वो, डोंट वॉन्ट टू सी नेहा भसीन, दीपक लिख रहे हैं इन द शो बिकॉज आर सो बायस दिव्या वुड हैव, बिल्कुल। मतलब यहाँ पे आज सुबह राकेश जय भानुशाली को ये बता रहा था कि बेचारे प्रतीक ने ब्रीफकेस लिया टिकट टू यहाँ पर आने के लिए, और उसके बाद और चार लोग यहाँ पर आ गए, तो वो उसने क्या किया था, मतलब उसको वो वैसे भी आ जाता अगर ब्रीफकेस नहीं लेता। ये बात खुद जो है आज जय से शेयर कर रहे थे राकेश। शमिता निशांत पर गुस्सा हुई मुझे लोगों के साथ, वो कहते हैं मुझे नहीं रोना है। उमर ने साफ साफ अफसाना का साथ दिया कि अगर शमिता का ब्राउनी चॉकलेट ब्राउनी होता है और उसके लिए वो लड़ती है तब कुछ नहीं, ये पपीते के लिए बोल रही है तो आपको बुरा लग रहा है। मायशा ने तेजू को सुनाया, इस पर हम बात कर चुके हैं, तेजू करण को गिफ्ट दिलवाना चाहती थी और उसके लिए वो बैक कर रही थी, हालांकि दोनों का इंटेंशन गलत भी नहीं है। वो लोग तो अफसाना का पपीता वाली बात पर डांस कर रहे थे, लेकिन अभी वहां पर मायशा और निशांत जब रो रहे थे तो निशांत वहां बैठकर करण और जय के साथ बोल रहे थे ना, इनकी लव स्टोरी देखकर मुझे भी रोना आ गया, मेरे भी आंसू निकल रहे हैं, फिर उसकी की कंटिन्यूटी में पपीता का डांस किया जब वहां पर वो रो रही है। आप नहीं कर सकते हो ना, ये सामने दो लोग रो रहे हैं ना, है तो एक ही घर के लोग ना, आप एक ही छत के नीचे रहते हो ना, तो फिर आप वहां पर साइड में कुछ कर रहे हैं और उस बात का इस बात से कोई लेना देना नहीं है तब तक सही है, मुझे ये लगता है। मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि अगर कोई रो रहा है आपको ये होना चाहिए कि नहीं वो इमोशनली बहुत डाउन है, तो मैं देखता हूँ क्यों रो रहा है, वो पपीते वाला मजाक या डांस करने का वो सही समय ऑनेस्टली नहीं था। ये बात बोली भी ना ईशान ने भी, वही मैं कह रही हूँ, अभी वो लव स्टोरी वाली बात का मजाक उसी की कंटिन्यूटी में आप पपीता डांस करने आ गए ना, तो वो गलत है ना, आप नहीं कर सकते ना ऐसा। आप सोचिए कि आप एक ही छत के नीचे 10-15 लोग रह रहे हैं, इस तरह का टास्क आया है, उस ईशान रो रहा है, मायशा उसे कंसोल कर रही है, वहां पे वो पपीता मतलब अफसाना का, तो मुझे मैं बताऊँ अफसाना की किसी बात को सीरियसली घर वालों को नहीं लेना चाहिए, जब ऑडियंस नहीं लेती हैं आप तो घर वालों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो लड़ रही है पपीते पे, उसका जवाब दो और साइड करो उससे जो लड़ रहा है। पर तेजा और निशांत तो समझते हैं ना चीजों को, उनको तो नहीं करना चाहिए था। तेजू करण के लिए गिफ्ट मांगती हुई नजर आई। तेजू ने आज करण से बोला कि पूरा घर एक तरफ, इनको बहुत हार्ड होना पड़ेगा हम तक पहुंचने के लिए, हम दोनों एक तरफ पूरा घर एक तरफ। और फिर बाद में तेजू ने बोला, करण तू भी नहीं हुआ तो भी मैं इन लोगों के सामने बहुत स्ट्रांग हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस है तेजस्वी का, ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है और यही कॉन्फिडेंस के सहारे वो इतना आगे जा रही है, उसे गेम समझ आए नहीं आए, लेकिन ये जो खुद के ऊपर जो उसका कॉन्फिडेंस है ना, वो ये जो बोल रही थी कि हम टास्क में बहुत दूर तक देख लेते हैं, जो करण बोल रहे थे वो बात वाकई में सही है। आज अगर उमर रियाज से गिफ्ट नहीं लिया करण ने, तो उसे पता है कि मैं उमर रियाज से समय आने पर जो निशांत ने किया बहुत बड़ा फेवर में ले सकता हूँ, और निशान भी यही करेगा। सिम्बो और ये लोग बहुत प्रैक्टिकल थे कि हमें बाहर जाके गिफ्ट मिल ही जाएगा, हालांकि उन्हें घर के अंदर ही मिल गया, क्योंकि मायशा को ये समझ में आ गया कि जब वो हारने ही वाली है तो लोगों को गिफ्ट देकर हारे ना। कैप्टेंसी करण ने साफ लेने से मना कर दिया और
करण और निशांत बात करते हुए नजर आए, तेजू कि जय के बारे में क्या सोचते हो, तो जय के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं इस पर निशांत, करण और तेजू बात कर रहे थे। निशांत ने साफ साफ कहा कि अगर इमोशन की बात है तो मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी प्रतीक है। वो प्रतीक को भी बोलते हुए नजर आया कि टेक्निकली इस घर में अगर मेरा लिए कोई कमजोरी है तो वो तू है प्रतीक, यही बात उसने सामने भी क्लियर की। दूसरे नंबर पर उसने बोला कि तेजस्वी है, तीसरे पे शमिता और चौथे पे करण, लेकिन जहां तक बात है गेम की उसने बोला जय मेरे लिए है। और यही बात जाकर निशांत ने जय को भी बताई कि ये लोग डरे हुए हैं हमारे अलायंस से लेकर। फिर करण ने एक बहुत ही सॉलिड सवाल तेजू से किया कि तू अगर निशांत है तो तू किसके पास जाएगी, जय, करण और तेजा के पास या फिर विशाल, राजीव, शमिता और इन लोगों के पास। राजीव, विशाल, शमिता और दो लोगों के और नाम लिए, सिम्बा। तो उसने बोला कि मैं उधर जाऊंगी क्योंकि वहां पे 8 नंबर हो गए ना, वहां पे तो अब जाके मायशा और ईशान भी तो वहां पे जुड़ गए हैं। लेकिन करण ने बोला कि नहीं, वो हमारे पास आएगा क्योंकि उसे पता है कि हम लोगों का जो नाम है, पॉपुलैरिटी है, उसने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन जिस चीज के लिए हम कैपेबल है उस कैपेबिलिटी का फायदा उसको भी होगा और ये निशांत का गेम है। मुझे भी लगता है कि निशांत जितने तरीके जिस तरीके से गेम को समझता है, वो अगर आगे जाके चूज करना हुआ तो वो तेजस्वी और करण को चूज करेगा क्योंकि इस ग्रुप में फिलहाल उमर भी है, ये 3 लोग हैं जो स्ट्रांग है इस ग्रुप में। हालांकि आज मुझे बहुत बुरा लगा कि उमर को ना निशांत ने अपने उस गेम में गिना, ना ही ये लोग जब काउंट कर रहे थे लोगों को तो ना ही इन्होंने अपने साथ गिना और ना ही उस ग्रुप में गिना। यानी कि उमर को ये लोग फिलहाल जो है किसी ग्रुप में काउंट नहीं कर रहे हैं, या तो उसके इंडिविजुअल गेम को समझ रहे हैं या फिर वो काउंट ही नहीं कर रहे हैं। फिर तेजू ने उमर और करण से पूछा कि यार ये बताओ कि उन लोगों को तोड़ेंगे कैसे। करण ने बहुत सेंसिबल जवाब दिया कि जब ये लोग गुस्से में होते हैं, फटते हैं, तब देखो कि ये लोग गुस्से में एक दूसरे को क्या बोलते हैं, उस चीज को ऑब्जर्व करो, यानी कि उस चीज को समय आने पर हम उनके खिलाफ यूज कर सकते हैं। तेजस्वी ने कल राजीव के लिए यही किया, उसे राजीव को विशाल की वही चीज बताई कि जो अपने बहन का नहीं हुआ किसका होगा, पपीता किसने खाया ये अफसाना ही ढूंढ लेगी। मैम मुझे तेजस्वी ओवर कॉन्फिडेंस हो 2 दिन से लग रहा है, नवम मैं भी वही बात कर रही हूँ। तो करण अलायंस बनाता है, निशा हमारी चीजें बनाओ, शमिता ने आज बहुत अच्छी बात बोली जब विशाल और वो लोग बात कर रहे थे। शमिता ने बोला कि उस ग्रुप में एक पावरफुल ओपिनियन है जिसको हर कोई फॉलो करता है, हमारे ग्रुप में हर किसी की इंडिविजुअल ओपिनियन है। तो ये बात माननी होगी कि कल निशांत अगर उमर को कैप्टन बनाना चाहता था तो उनकी टीम में इस बात की धमकियां नहीं दी गई कि हम तुझे ग्रुप से निकाल देंगे, तो हमारी ही बात सुन। वहां पर हर इंडिविजुअल के ओपिनियन की रिस्पेक्ट है। हालांकि जब कल जाकर राजीव ने वोट दे दिया तो राजीव पर ये लोग सब नाराज जरूर हुए क्योंकि राजीव अभी नया नया आया है और उसका एक वोट पूरे गेम को पलट रहा था, पर निशान को इन लोगों ने बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं किया। बाद में जब उमर के पास भी शमिता गई तो वो निशान के लिए अच्छी बात कर आई, तो शमिता ने बोला कि वहां पर एक ही ओपिनियन है जिसको सब फॉलो करते हैं, पावरफुल मतलब डोमिनेट करते हैं वहां पर। फिर तो ये मुझे लगता है कि उनका इशारा किसी और की नहीं तरफ नहीं बल्कि तेजस्वी की ओर था और कि वही सबकी ओपिनियन को कंट्रोल करती है। तो शमिता ने नाम नहीं लिया लेकिन मुझे लगता है कि वो इसी की तरफ कहना चाह रही थी। तो आज के गेम के बाद एक बात तो क्लियर है कि करण क्लियर कट मास्टरमाइंड है, तेजस्वी को अपने लॉजिक जो है जब वो लोगों से आर्ग्यूमेंट करती है तब थोड़ा सा जो है, थैंक यू नबम हैप्पी दिवाली, तो तेजस्वी जब आर्ग्यूमेंट करती है उसको अपने लॉजिक्स को थोड़ा और क्लियर करना होगा क्योंकि वो बोलती कुछ है, दिखता कुछ है, कहती कुछ है, करती कुछ है, मतलब उसके वर्ड्स और उसके एक्शन मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये बात साफ साफ समझ में आ रही है तेजस्वी के गेम में। थैंक यू राशिद, हैप्पी दिवाली। कल आज वीकेंड का वार शूट नहीं हुआ, कल ये बाइक कट एंट्रीज दिखाई जाएंगी और परसों जो है रणवीर के साथ द बिग पिक्चर के सेट पर अंतिम की टीम पहुंची थी और इन लोगों के साथ शूट किया था, तो कल का एपिसोड सेट है। मैम के गेम अब कैसा है, किसका गेम कह रही हैं अलीना? और कल जो है अब मुझे लगता है कि दोपहर के बाद शूट होगा वीकेंड का वार, क्योंकि अभी तक इन कॉन्टेस्टेंट के कपड़े ही नहीं आए थे और वीकेंड का वार के कपड़े आएंगे कल। मुझे लगता है कि 2-3 बजे के बाद से लाइव फीड बंद होगी। उमर का गेम मुझे पसंद है
लेकिन ये कैप्टेंसी मुझे ऐसी लगी कि उसको प्लेटर में सजा कर मिली है, उसको अपने थोड़ा एफर्ट डालना चाहिए था। शमिता की और कोई प्लीज अजीजा, मुझे नहीं लगता है। शमिता जी का फैमिली बन गया है, भाई बहन फ्रेंड लव। और आज पता है लाइव फीड में सिर्फ और सिर्फ नेहा राकेश शमिता को ही दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये मैं द शमिता शो देख रही हूँ। बीच बीच में बहुत थोड़ा बहुत देखने को मिला, वरना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं शमिता शेट्टी का ही शो देख रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो है शमिता के इर्द गिर्द ही सब बैठे हुए थे। चलिए कल फिर से मिलेंगे। कल का प्रोमो मैंने देखा नहीं क्योंकि वूट पर ही देख लिया है, पर जहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेड यही है कि रणवीर के साथ प्रोमो दिखाएंगे। इसके अलावा तेजस्वी और करण की जो कल आधी रात को बातचीत हुई थी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आधी रात को तेजस्वी और करण को होता क्या है, इतनी बातें करते हैं। पर आज उनके छोटे छोटे एक्शन से भी ये बात समझ में आ रही थी, जैसे वो तेजस्वी को बोल रहे थे तो क्यूट लग रही है, तेजस्वी करण के गिफ्ट के लिए इतना ज़्यादा बैट कर रही थी, और जब तेजस्वी और करण की आपस में बातचीत थी वो उसके प्यार से बाल पीछे कर रहे थे, ये बात समझ में आ रहा है कि उन दोनों का नेचुरली जो बॉन्ड है ना वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, और वो मुझे सुंदर लग रहा है अब, मतलब नेचुरल लग रहा है मुझे तेज रन। अब दोनों एक तरफ और पूरा घर एक तरफ, ये बात मैं मानती हूं। अगर करण का मास्टरमाइंड है ना तो तेजस्वी का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, मतलब एक बार उसको प्लान मिल जाए वो उसको एग्जीक्यूट कर देगी। जैसे मैप के उनको पीसेस मिल गए थे तो तेजस्वी ने सोच लिया ये मैप कैसे बन जाएगा, तो एक की प्लानिंग बहुत अच्छी है और एक का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, इसलिए दोनों जो टीम बनी है ना वो वाकई में बहुत अच्छी बनी है। पता नहीं दीपक, दोस्ती तो इनकी नेचुरल लग रही है। हाँ यस तन्वी, मैं भी यही कह रही हूँ कि मुझे फेक, मैं ये नहीं कह रही कि दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं, मैं दोस्ती और बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उमर, यस इजा उमर, मुझे लगता है टॉप फाइव तक जाएंगे। चलिए गुड नाइट, कल फिर से मिलेंगे, बाय।